सीहोर की जनता आखिर चाहती क्या है, क्या है विकास के मायने। अमित जी हमारे साथ आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो वहां पे मतदाता खड़े हैं, आप मुझसे सीधे सीधे शॉर्टकट पे सवाल पूछते जाइए, समय कम है हमारे पास में, आप पूछते जाइए क्या है विकास के मायने, क्या चाहती है जनता वहां पे। जी क्या है विकास का मायने, जनता क्या चाहती है विकास के, सरकार होना चाहिए 18 साल में जो गुजरात में मुख्यमंत्री आया था, ऐसा हुई अपने विधानसभा में 2003 से पहले जब मुख्यमंत्री बहाल रहे थे उस समय इतना बेकार कंडीशन थी है विधानसभा की, लेकिन लगातार विकास के तौर पर आज मुदली विधानसभा में इतना विकास हुआ है, किसानों के लिए रोड है, बिजली है, पानी व्यवस्था भी हुई है, सड़क इतना बन गया, तो अपार यहाँ पे विकास हुआ है। क्या कहेंगे विकास के नेता, विकास की बात है तो नगर पंचायत की मांग है प्रबल लागू होगी, अभी सीएम साहब ने मुझे कर देंगे और चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी बड़ी फैक्ट्री का निर्माण हो ताकि बेरोजगारों से जुड़े रहे, बाकी बुराई बड़ा विकास हो चुका है, सुरक्षा विकास हुआ है, रोड से लेकर सड़क बिजली पानी सबका काम उन्होंने खड़े करा है। जैसे यह सबसे बड़ा एक मुद्दा जो निकल के सामने आया है कि विकास हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो एक बड़ा मुद्दा है बता रहे हैं, आप बताइए विकास पे क्या कहते हैं। विकास क्या है कि विकास तो लगातार सतत प्रक्रिया है, तो दिल्ली और मध्य प्रदेश की जो हालात थी उसमें अभी तक बहुत परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में आया है, पानी स्वास्थ्य शिक्षा सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई है। क्या चाहेंगे विकास को लेकर, विकास को बेपना क्षेत्र में 2003 का अगर आपसे करें जमाने में ना तो बिजली ना पानी था ना रोडे थी, किसानों के लिए ना तो पहुंच मार्ग थे, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, लाइट तो हम घंटे करीब आती थी, स्वास्थ्य संबंधित कोई व्यवस्था नहीं, बेरोजगारी को लेकर क्या, बेरोजगारी प्राय प्राय माननीय मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो बीजेपी के 18 वर्ष का कार्यकाल है उसमें बेरोजगारी खत्म हो गई, फुटकर विक्रेताओं का लोन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को सबको लोन के बाद मुहैया कराया जा रहा है। क्या कहेंगे विकास को लेकर, जैसे जिस प्रकार से विकास की बात या चर्चा चल रही है बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ही बेरोजगारी का, इस क्षेत्र में जरूरी चीज है यहाँ बड़ा उद्योग होना चाहिए जिससे इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके, 18 साल में आज तक शायद होता ही नहीं होगा, मंत्री जी ने तो विचार ही नहीं करा। और दूसरा सिंचाई की व्यवस्था के लिए जो डैम बनना चाहिए यहाँ पे जो दो मंजूर हुए थे वो भी बनना बहुत जरूरी है, जिस प्रकार से अभी ये जो लाइन चल रही है सिंचाई की ये अनसक्सेस है, तो आप जानते हैं कि मान लीजिए अनसक्सेस है, क्या कहेंगे आप विकास को लेकर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से सिंचाई के लिए जो अभी योजना बनाई गई है सरकार द्वारा और पाइपलाइन किया, अरे हमारे क्षेत्र में तो शिवराज जी ने बहुत काम करवाया और यहाँ की जनता विकास के नाम पे ही उनको वोट करेगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में करोड़ों की लागत से अस्पताल बना हुआ है जिससे काफी गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज दवाई गोली यहाँ पर मिलती है, लेकिन डॉक्टर की कमी देखी जा रही है अस्पताल नहीं होती है, व्यवस्थाएं वो तो चलती है सब जगह होती है, आपके घर में भी कभी कभी समस्याएं परेशानी आती है, उसके बाद करोड़ों की लागत से यहाँ पर कॉलेज बनाया गया है, और तो और गाँव के रोड तो कंप्लीट है ही, उसके पश्चात हमारे खेतों के रोड भी बेहतरीन कंडीशन के रोड बनाए गए हैं, और जो अभी भाई साहब पानी की जो बात कर रहे थे खेतों में खिसाने के लिए, तो उसमें एक रीजन हो रहा था कि अगर किसी का खेत चढ़ाव पे है तो वहाँ पानी कैसा पहुंचेगा, तो मुख्यमंत्री जी ने वो डेमो को कैंसिल करके और हमारे क्षेत्र में जो पाइप लाइन खेत के अंदर से गड़वाई जाए ताकि हर जगह पानी पहुंच सके, तो हमारे क्षेत्र में शिवराज जी के द्वारा काफी अच्छा कार्यकाल हो रहा है और आगे भी होगा, आप दादा को पता है एक समय आंबा पे इनका खेत है ये जाते हैं दादा कितना कीचड़ और भरा हुआ, हमें पूरा दिन लग गया और आज ये कोशिश हम 5 मिनट ही लगते हैं, मामले में समझता हूँ बुद्धि विधानसभा में जितना विकास हुआ है तो शायद मध्य प्रदेश में 70% बुद्धि विधानसभा में हुआ है, ये सत्यता क्या है दादा जी बता रहे हैं खेतों से उस टाइम ये अलग थी कि भुट्टन भुट्टन खींचे हुए लोग जाते थे, आज ये अलग थेगी कि वे लोगों ने 10 मिनट पे जाते 10 मिनट पे आते हैं, हमको जो है नगान घाट हम जो है फाइट करना पड़ता तो पहले जाना पड़ता था लाड़ो की लोट आने के, लेकिन आज हमारे फिर भी हम पांच भी जाते हैं तो 3 घंटे में वापिस चले जाते हैं, विकास तो बहुत हुआ है, आज भी जमीन बढ़िया महामारी बना हुआ है, कॉलेज भी हमारे यहाँ है, हमारे कोई कमी नहीं है हमारे भाई साहब का जो है माननीय मुख्यमंत्री पूरे क्षेत्र के एक एक गाँव नापे हुए हैं, उनको खुद को मालूम है कि इस गाँव में क्या चाहिए मुझे, तो बिना कहे तो खुद ही वो
अमित अमित बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हम जुड़ने के लिए, और तमाम जो वहाँ के मतदाता है वहाँ